भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शनिवार को शिरकत करने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अधिवेशन की समाप्ति के बाद सीधे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और वहां बाबा गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन किया तथा महंत अवैधनाथ को पुष्प अर्पित किया। मंदिर परिसर में विश्राम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे मौजूद रहे।